हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग और फॉर्मल लेटर राइटिंग में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम देखेंगे। इस वीडियो क्लास में मैंने दो सैम्पल क्वेश्चन और उनके सही आंसर फॉर्मेट के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो उसके थ्रू आपको काफ़ी अच्छा आइडिया लगेगा कि किस तरीके से एक इनफॉर्मल लेटर को लिखा जाता है सही फॉर्मेट में। तो चलिए देखते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखना चाहिए जब भी आप फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर लिखें। डू नॉट राइट योर ओन ओरिजिनल नेम एंड एड्रेस, यूज़ ABC और XYZ इंस्टेड। मतलब एक रियल लेटर में, पर्टिकुलरली बैंकिंग और SSC के लेटर्स में, आपको अपना ओरिजिनल नेम और ओरिजिनल एड्रेस नहीं लिखना है, आपको इमेजिनरी एड्रेस लिखना है और अपना नाम भी वहाँ पर नहीं लिखना है, उसकी जगह आपको ABC या XYZ का प्रयोग करना है। नॉर्मली एड्रेस नहीं दिया जाता, लेकिन इन केस यदि एड्रेस आपको दिया जाता है तो उसी एड्रेस को आपको यूज़ करना है। नॉर्मली दिया नहीं जाता एड्रेस, और आपको इमेजिनरी एड्रेस ही यूज़ करना होता है, और अपने नाम के स्थान पर आपको ABC या XYZ इस्तेमाल करना होता है। डू नॉट यूज़ SMS लैंग्वेज सच एज ASAP, एज सून एज पॉसिबल, इस तरह की कोई भी SMS लैंग्वेज फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर में आपको यूज़ नहीं करनी है। टू का प्रयोग नहीं करना है, टू द मैनेजर, टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कॉमास का प्रयोग बहुत ही लिमिटेड करना है आपको। सारी चीज़ें आपको लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करनी है, एक ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पर्टिकुलरली फॉर्मल लेटर में आपको एकदम टू द पॉइंट और एकदम प्रिसाइज रहना है। कोई भी बात आपको ऐसी नहीं लिखनी है जो कि एक्स्ट्रा हो, रिडंडेंट हो या इररिलेवेंट हो, जिसका लेटर से कोई कंसर्न नहीं हो। इस तरह की कोई भी बात केवल आपको स्पेस को फिल नहीं करना है, आपको उसमें कुछ मीनिंगफुल और कंक्रीट उसमें कुछ लिखना है। स्टिक टू द वर्ड लिमिट। फॉर्मल लेटर की जो वर्ड लिमिट आपको नॉर्मली मिलेगी वो 100 से 150 वर्ड की होगी। इनफॉर्मल की थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, 150 से 200 वर्ड की हो सकती है, और 250 से 300 वर्ड की या 200 से 250 वर्ड की जो लिमिट मिलेगी आपको वो ऐसे राइटिंग की आपको मिलेगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और लेटर राइटिंग में कभी भी एग्जामिनर मेंशन नहीं करेगा कि ये लेटर फॉर्मल है या इनफॉर्मल। आपको डिसाइड करना होगा कि किस फॉर्मेट में इस लेटर को लिखना है, और उसको यदि प्लान आउट आपको करना है तो 12 मिनट आपको देना है लेटर के लिए और 18 मिनट देना है आपको ऐसे के लिए। इस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है, और आउट ऑफ 12 मिनट आपको 2 मिनट देने हैं प्लानिंग के लिए, 8 मिनट देने हैं रियल राइटिंग के लिए, और 2 मिनट देने हैं रिविज़न के लिए और करेक्शन के लिए। उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है और कहीं पर आपने कैपिटल लेटर लिख दिया, कहीं पर स्मॉल लेटर लिख दिया, ये सारा करेक्शन के लिए 2 मिनट दीजिए, 8 मिनट लेटर राइटिंग के लिए दीजिए और 2 मिनट प्लानिंग के लिए दीजिए। तो इस तरीके से आपको सारी प्लानिंग करनी है, और डेफिनेटली ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें आपकी वर्ड स्पीड कंप्यूटर पर काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। 50-60 वर्ड पर मिनट की आपकी इसमें स्पीड होनी चाहिए, और ये स्पीड जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये स्पीड बनेगी। इसलिए डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कंप्यूटर पर, ताकि आपको सारे जो उसके जो कीज़ हैं और उसका आपको सही आइडिया लगेगा कहाँ पर कैसे कौन सा बटन आपको दबाना है। तो डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करें कंप्यूटर पर, और ग्रामेटिकल जो सेंटेंसेस हैं और सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं, टेंस है आपका, वो एकदम से सही होना चाहिए। कौन सा लेटर आपको कैपिटल में लिखना है, कौन सा स्मॉल में लिखना है, वो सही होना चाहिए। नेम्स जितने भी हैं वो सारे फर्स्ट लेटर उसमें कैपिटल में लिखिए, जैसे इंडिया का आई कैपिटल में लिखिए, इंग्लिश का ई कैपिटल में लिखिए। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना है। पंक्चुएशन का भी आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पर कॉमा आएगा, कहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। इन सारी चीज़ों को यदि आप अप्लाई करते हैं तो एक सही और एक करेक्ट लेटर आप लिख पाएंगे। देखिए, ये एक फॉर्मेट है। एज्यूम यूअर XYZ, राइट ए लेटर टू योर फादर इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स इनफॉर्मिंग हिम ऑफ द चॉइस ऑफ प्रोफेशन। अपने प्रोफेशन की चॉइस अपने फादर को बतानी है, इन्फॉर्म करना है। तो इसमें सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस लिख दीजिए अपना, आपका जो इमेजिनरी एड्रेस है 2 या 3 लाइनों में। उसके बाद डेट लिखिए, उसके बाद सैल्यूटेशन में लिखिए माय डियर फादर, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको लिखना है, आपको अपने प्रोफेशन के बारे में बताना है, तो पहले उसको उस आइडिया को इंट्रोड्यूस करिए, उसको थोड़ा सा दूसरे पैरा में एक्सपेंड कर दीजिए या उसी पैरा में आप एक्सपेंड कर दें, और लास्ट में आप उसकी थोड़ी सी समरी वहाँ पर आप बता सकते हैं। और योर्स अफेक्शनेटली और XYZ, ये सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, इनफॉर्मल लेटर का। ये डिफरेंस थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर कि इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर में क्या डिफरेंस होता है।
इन फॉर्मल लेटर्स वी ऑलवेज इंक्लूड सब्जेक्ट लाइन, एक सब्जेक्ट एरिया जरूर होता है, सब्जेक्ट लाइन वहाँ पर लिखी जाती है, और फॉर्मल लेटर में जो सब्जेक्ट लाइन होती है वो एक लाइन में लिखना है, अंडरलाइन उसको करना है, और एकदम प्रिसाइज फॉर्मेट में 3 या 4 वर्ड में आपको सब्जेक्ट लाइन लिखनी है। इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट लाइन नहीं होती, तो एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इनफॉर्मल लेटर में कोई भी रिसीवर डेजिग्नेशन या एड्रेस आपका नहीं आएगा। सपोज़ आप अपने फादर को लिख रहे हैं तो आपके लिए वो आपके फादर हैं, या आपके ब्रदर हैं तो उनकी कोई डेजिग्नेशन नहीं है, कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन नहीं है, तो उनका डेजिग्नेशन और एड्रेस आपको रिसीवर एड्रेस में नहीं लिखना है, केवल सेंडर एड्रेस आपको लिखना है। थैंकिंग यू ये जो वर्ड है ये केवल फॉर्मल लेटर में यूज़ होता है, इसको आपको इनफॉर्मल लेटर में नहीं लिखना है। और फॉर्मल लेटर की जो लैंग्वेज की जो टोन होगी वो एकदम प्रोफेशनल लिखना है, एकदम प्रोफेशनल तरीके से आपको उसको लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, और एकदम फॉर्मल लैंग्वेज को आपको यूज़ करना है। देखिए ये एक लेटर है जिसमें अपने फादर को आपको 150 वर्ड में इन्फॉर्म करना है अपने प्रोफेशन की चॉइस के बारे में। तो सबसे पहले आपने सबसे पहले ये सेंटर एड्रेस लिख दीजिए आप 2 लाइनों में या 3 लाइनों में, इस तरीके से आपको कंसाइज वे में लिखना है। उसके बाद डेट डालिए, ये करेक्ट फॉर्मेट है डेट का, 18th August 2017, या August 18 भी लिख सकते हैं, लेकिन 18 यदि बाद में आएगा तो फिर ये टी एच वर्ड नहीं आएगा, टी एच वर्ड तभी आएगा जब इसको आप मंथ से पहले लिखेंगे, ये आप ध्यान रखें। यहाँ पर आप सैल्यूटेशन लिखें माई डियर फादर, और यहाँ से आप इंट्रोडक्शन शुरू करें, आप जो भी कहना चाहते हैं 2 लाइनों में इंट्रोडक्शन दें, और 1 या 2 लाइनों में उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें, और यहाँ पर नीचे एक उसको समराइज कर दें, ठीक है। उसके बाद योर्स अफेक्शनेटली और एक्स वाई जेड, ये सिंपल फॉर्मेट है, इसको आप पॉज करके इसको आप पढ़ लीजिए। ये लैंग्वेज मैंने बेसिक गाइडलाइन के फॉर्मेट में एक लिखी है, ये लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप कुछ भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी ओल्ड लैंग्वेज में ही अपने आप को एक्सप्रेस करना है। और ये एक दूसरा सैम्पल आंसर और सैम्पल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अपने एल्डर ब्रदर को आपको एक लेटर लिखना है 150 वर्ड में, और उनको इन्फॉर्म करना है आपके सिलेक्शन के बारे में, IBPS PO के जो एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हुआ है उसके बारे में अपने एल्डर ब्रदर को इन्फॉर्म करना है। तो 2 या 3 लाइनों में ये सेंट्रल एड्रेस लिखा हुआ है, 11 यमुना नगर दर्पण कॉलोनी, कोई सा भी आप इमेजिनरी एड्रेस लिख सकते हैं। ये डेट लिखी हुई है और ये सैल्यूटेशन है, उसके बाद यहाँ से आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें इसको, और यहाँ पर उसको समराइज कर दें, और ये है आपका योर्स अफेक्शनेटली और एक्स वाई जेड। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट रखना है आपको, और प्रिसाइज फॉर्मेट में लिखना है, कोई भी उसमें फालतू बात, एक्स्ट्रा बात, इररिलेवेंट बात नहीं लिखनी है। यहाँ पर आप देखें, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव बीन फाइनली सेलेक्टेड एज बैंक PO इन यूनियन बैंक थ्रू IBPS PO एग्जाम विच वॉज कंडक्टेड इन अक्टूबर 2016। मतलब मुझे ये इन्फॉर्म करते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि मेरा फाइनली सिलेक्शन IBPS PO एग्ज़ाम के थ्रू यूनियन बैंक में बैंक PO की पोस्ट पर हो चुका है, और ये एग्ज़ाम जो हुआ था ये अक्टूबर 2016 में कंडक्ट हुआ था। बिल्कुल सिंपल आपको लैंग्वेज रखना है, उसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। आई विल बी अंडर प्रोबेशन फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए मैं ट्रेनिंग में रहूँगा, एंड विल बी लर्निंग मैनी थिंग्स रिलेटेड टू डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द बैंक। इसमें मैं प्रोबेशन पर रहूँगा 2 साल तक, और इसमें जो बैंक की जो डे टू डे फंक्शनिंग है उसके बारे में मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीखूंगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक सिंपल सा 2 या 3 लाइनों में इंट्रोड्यूस किया है जो आइडिया आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उसको सिंपल वे में बिल्कुल एक्सप्रेस किया है। सेकेंड पैरा में आपने उसको एक्सपेंड कर दिया है, आई रियली थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट एंड गाइडेंस विदाउट विच इट वुड हैव बीन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी टू मेक इट टू द फाइनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट इन सच ए प्रेस्टिजियस एग्जाम विच इज़ सो टफ एंड चैलेंजिंग टू क्रैक। तो दूसरे पैरा में आपने उसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है, आपने बताया है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपके सपोर्ट के लिए और कॉन्स्टेंट हेल्प के लिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना इस एग्ज़ाम में पास होना बहुत मुश्किल होता मेरे लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही चैलेंजिंग है और टफ है। और लास्ट में आपने लिख दिया है से माई बेस्ट रिगार्ड टू पापा, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है तो ये एक लाइन इसमें आपको लिखना अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, से माई बेस्ट रिगार्ड टू मम्मा या से माई बेस्ट रिगार्ड टू पापा, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। और उसके बाद लिखिए योर्स अफेक्शनेटली और एक्स वाई जेड, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट आपको ये मैंने बताया है, और इस तरह का आप लेटर यदि लिखते हैं तो पूरे मार्क्स आपको 100 में से 100 मार्क्स आपको मिलेंगे SSC एग्ज़ाम में या बैंक एग्ज़ाम में, ठीक है। इस तरह से सिंपल और स्वीट वे में उसको लिखना है। यहाँ पर अपना फीडबैक मुझे आप इस
इस वीडियो के बारे में और दूसरे किसी भी वीडियो के बारे में डिस्कशन फोरम में भी और कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं इस वीडियो क्लास के बारे में। यहाँ से आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज लेते हैं यदि इसके थ्रू आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।